वाला गटर के नाला सुपारा में बह गया। राजपद, राजमहल, राजगद्दी सब चला गया। तखलिया तखलिया तखलिया, तेरा बाप तखलिया, ये तेरे हाथ में क्या है? निमंत्रण पत्र सितमगढ़ राज्य के महाराज सूर्य सिंह राणा का। उनके हैप्पी जन्मदिन के अवसर पर अगले 7 दिन के लिए सितमगढ़ में महा उत्सव मनाया जा रहा है। ये निमंत्रण पत्र गलती से आपके नौकर पास्ता के हाथ लग गया। पास्ता? हाँ, ये पत्र नहीं शस्त्र है, हमारे पिताजी से बदला लेने का शस्त्र। सुना है महाराज सूर्य सिंह राणा का कोई पुत्र नहीं? उनका 3 सुपुत्री है, मधुमाला मीना। सबसे बड़ी वाली का नाम क्या है? मधु। और पास्ता, अगर हमने सबसे बड़ी सुपुत्री राजकुमारी मधु के साथ विवाह कर लिया तो सितमगढ़ के राज्य पे कब्जा करके हम यहाँ की प्रजा और पिताजी को फिश फिश कर देंगे। मम्मी अल्ली, तू वहाँ जाएगा कैसे? वहाँ तो अलग अलग राज्य का राजकुमार महाराज के लिए पद पर गिफ्ट लेके आएगा। तुम क्या लेके जाएगा? तुम तो भूखा है, नंगा है, फतीचर है, फकीर है, उशीर। मेरे पैर में सुअर का दांती फंस गया। जवाब दे गए, हमने बिना कोई सवाल किए उस 82 साल के घुटने टूटे वाली महिला को उसे उसके घर भेज दिया अपने शाही वाहन में, और खुद इस टूटे हुए वाहन में आए हैं महाराज, क्योंकि मेरे पिता श्री कहा करते थे, सेवा करो मेवा मिलेगा महाराज। मगर राजकुमार बाला, आज हमारे ताया जी, हमारे महाराज का जन्मदिन है, इस भव्य विराट अवसर पर आप उनके लिए कोई भेंट नहीं लाए? महाराज, लाने को तो हम घोड़े हाथी क्या, हाथी घोड़े भी ला सकते थे, सोना चांदी क्या, चांदी सोना भी ला सकते थे, किंतु ये सब मोह माया है महाराज। ये राजकुमार बाला तो कुछ और बहुमूल्य भेंट लाया है आपके लिए, और वो भेंट है ये हमारे माधवगढ़ राज्य की टट्टी, मतलब पट्टी, पट्टी महाराज, पट्टी।
जिसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है महाराज। ये आदमी की यौवन शक्ति बढ़ाता है, उसे चुस्त बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है। यूं समझिए महाराज, ये आपके लिए नहीं, आपकी 120 बीवियों के लिए है। अच्छा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, रानियों के लिए। इसमें शिलाजीत, मकरध्वज, कायाकल्प और च्यवनप्राश भी है महाराज। खुल जा सबसे। सूर्यवान, बाकी की जितनी भी भेंट है हमारी प्रजा में बांट दी जाए। महाराज की, महाराज की, महाराज की। हर वर्ष आप महाराज के जन्मदिन पर अपने पीठ पर कोड़े बरसवाते हैं। तुम ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, ये हमारी सजा है। खुद को एहसास दिलाने की सजा कि एक वर्ष और बीत गया और हम अब तक सितमगढ़ के महाराज नहीं बने। लेकिन अब वक्त बदलेगा और तख्त भी बदलेगा। लेकिन कैसे? रणभूमि में तंत्र मंत्र या फिर यंत्र चलता है, लेकिन विजयी वही होता है जहां षड्यंत्र चलता है। हमला होगा और उसका शक जाएगा इस राज्य के सबसे बड़े दुश्मन पर, खूंखार टोली का सरदार कामा। जाम शाही कोठा बनाएंगे पास्ता और यहाँ हम गरीबों को तीर मारेंगे। मम्मी यार, टॉर्चर खाना खोलने से पहले राजकुमारी मधु का दिल तो चाहिए। गुरुजी का नृत्य शुरू हो गया। अच्छा? गुरुजी का नृत्य शुरू हो गया। गुर्जरा, चलो देखे कौन सा नृत्य हो रहा है। मैं छोरा, हाय मैं छोरा, हाय मैं छोरा, छोरे से झटपट पट पट प्रेम करो मैं। हाय जवानी को जताई मुड़ मुड़ के बुलाई। मारू मारू आँख में मारू, झटपट झटपट प्रेम करू मैं। हाँ वाह बांगड़ू महाराज, वाह, ये प्रतिभा आप में कहाँ से आई? हाँ, आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरु गोविंदा प्रभु देवा। गोविंदा प्रभु देवा? हाँ, जगत गुरु गोविंदा, वही मेरे प्रभु है, वही मेरे देवा। लेकिन अभी मैं थक गई देवा रे देवा। ए मुयो, हसो कम नाचो ज्यादा। पावनी चुन्ने, माफी गुरु जी। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। जाती हूँ मैं। जल्दी है क्या? धड़के जिया। वो क्यों भला? अरे वाह, इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए। अच्छा छोड़ो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कोई देख लेगा गुरुजी।